हेलो स्टूडेंट्स मैं वैभव अपने चैनल निबर नॉब में आपका स्वागत करता हूं ये चैनल टेंथ इलेवंथ और ट्वेल्थ क्लास के मैथ्स सब्जेक्ट के लिए डेडिकेटेड है अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो प्लीज़ वीडियोस को शेयर कीजिए क्योंकि मेरा मोटो ही है क्वालिटी एजुकेशन सबका अधिकार और अगर आप पूरा सिलेबस कवर करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्ले में जाके चैप्टर वाइज क्लास वाइज़ सारे वीडियोज़ की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं और अब तो आप निबेड नॉब को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करें स्टूडेंट्स आज हम परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन जो हमारा चैप्टर है उसकी एक्सरसाइज 7.3 शुरू कर रहे हैं तो पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स वन टू नाइन इफ नो डिजिट इज रिपीटेड तो मैं यहां पे सबसे पहले बताना चाहूंगा कि अगर रिपीटिशन नहीं हो रहा और हमने थ्री डिजिट नंबर बनाना है तो हमने नाइन डिजिट्स में से वन टू नाइन कितनी डिजिट्स हो गई नाइन डिजिट्स नाइन में से थ्री डिजिट्स का परमुटेशन बनानी है तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा नाइन पी थ्री बिल्कुल सिंपल है तो चलो देखो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है सबसे पहले तो तुमने लिखना है गिवन नंबर ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू नाइन ब्रैकेट में लिख देना है वन टू नाइन डिजिट्स हैं वन टू नाइन नाइन डिजिट्स हैं नंबर ऑफ डिजिट्स सिलेक्टेड फॉर अ नंबर एक नंबर बनाने के लिए कितनी डिजिट्स हमने सिलेक्ट करनी है एक बार में थ्री यानी नाइन आइटम्स में से थ्री आइटम्स एक बार में हमने सिलेक्ट करनी है और कितने अरेंजमेंट्स हो सकते हैं ये भी देखना है अरेंजमेंट्स मतलब अब देखो वन टू थ्री एक अरेंजमेंट है थ्री टू वन एक अरेंजमेंट है टू थ्री वन एक अरेंजमेंट है तो एक्चुअली हम सिर्फ वन टू और थ्री तीन डिजिट्स को ही चूज कर रहे हैं लेकिन फिर भी देखो हमारे सामने तीन अलग अलग नंबर्स आ गए तो ये काउंटिंग प्रिंसिपल ही है काउंट करना है हमने तो उसके लिए हमें फॉर्मूला पता है हमारा क्या होगा तो देयर फोर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ थ्री डिजिट नंबर्स इज इक्वल टू नाइन पी थ्री मीन्स नाइन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय नाइन माइनस थ्री फैक्टोरियल मीन्स नाइन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय सिक्स फैक्टोरियल तो नाइन इंटू एट इंटू सेवन इंटू सिक्स फैक्टोरियल मैंने सिक्स फैक्टोरियल तक नाइन फैक्टोरियल को एक्सपेंड किया और फिर अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो सेवेंटी टू इंटू सेवन सेवेंटी टू इंटू सेवन कितना आ जाएगा फोर्टीन एंड फिफ्टी फाइव हंड्रेड फोर अच्छा इसी क्वेश्चन को एक और अप्रोच से भी किया जा सकता है अगर हम नाइन पी थ्री का फॉर्मूला ना इस्तेमाल करना चाहें देखो थ्री डिजिट नंबर यानी थ्री प्लेसेस फिल करनी है हमने नंबर से जब हम पहला नंबर फिल करने जाएंगे तो हमारे पास नाइन ऑप्शन होंगी वन से लेकर नाइन तक सारे डिजिट्स लेकिन डिजिट्स रिपीट नहीं करने तो जब हम दूसरा नंबर भरेंगे तो एक तो यहां भर चुके होंगे तो एट ऑप्शंस रह जाएंगी और फिर लास्ट नंबर भरने के लिए सेवन ऑप्शंस तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा नाइन इंटू एट इंटू सेवन फाइव हंड्रेड फोर तो तुमको अगर इस तरह समझ में आए तो यह ठीक है अगर इस तरह समझ में आए तो ठीक है दोनों ही तरीके ठीक हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लेकिन बस ध्यान ये रखना है कि अपनी ऑप्शन को नंबर ऑफ ऑप्शन को ठीक काउंट करना है अच्छा क्वेश्चन नंबर टू जो है वो तुमने खुद करना है बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन है मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ स्टूडेंट्स ये है क्वेश्चन नंबर थ्री हाउ मेनी थ्री डिजिट इवन नंबर्स कैन बी मेड यूजिंग द डिजिट वन टू थ्री फोर सिक्स एंड सेवन इफ नो डिजिट इज रिपीटेड यहां पे अब इवन नंबर्स की बात कर रहे हैं हम तो चलो हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन गिवन नंबर ऑफ़ डिजिट्स हमें कितनी डिजिट्स दी हुई हैं काउंट करें वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एक्चुअली सिक्स डिजिट्स हैं क्वेश्चन को देखते ही सेवन लगता है लेकिन है सिक्स और हमने कहना है वन कॉमा टू कॉमा थ्री कॉमा फोर कॉमा सिक्स कॉमा सेवन फाइव इनमें नहीं है तो सिक्स डिजिट्स हमारे पास हैं और हमने थ्री डिजिट इवन नंबर बनाने हैं तो इवन डिजिट्स कितनी है ये देखें नंबर ऑफ इवन डिजिट्स इज इक्वल टू कितनी है देखो इसमें टू और फोर और सिक्स थ्री ब्रैकेट में लिखा टू फोर सिक्स यानी कि अगर हम थोड़ा इसे एक बार एग्जाम्पल के तौर पे देख लें कि थ्री डिजिट इवन नंबर बनाने तो यहां पे भरने के लिए तो हमारे पास तीन ऑप्शंस हैं कौन कौन से ऑप्शंस हैं टू फोर सिक्स जो एक्चुअल में नंबर जिनमें से एक भरा जाएगा वो मैंने नीचे लिखा है और नंबर ऑफ ऑप्शन ऊपर लिखी है क्योंकि मैं काउंट कर रहा हूं अपनी ऑप्शन को काउंट करना है मैंने अब डिजिट्स तो रिपीट करने नहीं है मैंने ठीक है स्टूडेंट्स तो यहां पर कितने ऑप्शन गए मेरे पास भरने के लिए एक तो यहां भर दिया टू फोर सिक्स में से यानी कि टोटल छ में से एक यहां भर दिया मैंने तो फाइव ऑप्शन गए अब एक ऑप्शन यहां पे आ गया एक ऑप्शन यहां आ गया छह में से दो ऑप्शन आ गए तो चार रह गए तो इनको मल्टीप्लाई कर दो तो हमारा आंसर आ गया एक तो तरीका डायरेक्टली इस तरह से आंसर दे देने का है कि देयर फोर नंबर ऑफ थ्री डिजिट इवन नंबर इज इक्वल टू फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इज इक्वल टू एक और तरीका भी है देखो अगर हम परमोटेशन का फॉर्मूला यूज करना चाहते हैं तो ये जो दो हैं डिजिट ये अलग और ये अलग सोचना है हमने अब कैसे नंबर ऑफ थ्री डिजिट इवन नंबर्स इज इक्वल टू देखो एक तो इवन नंबर यहां फिक्स करना है हमने तीन में से एक चूज करना है यानी थ्री पी वन मल्टीप्लाई अब रह गए हमारे पास फाइव आइटम्स और सिक्स सिक्स में से फाइव आइटम्स और फाइव आइटम्स में से दो कोई भी यहां पे चूज करने हैं हमने तो फाइव पी टू इस तरह से आंसर आ जाएगा चाहे इस तरह से जैसे मैंने पहले समझाया इस तरह कर दो आंसर को चाहे इस तरह दोनों में आंसर निकलकर यही आएगा अगर इसको सॉल्व करके भी देखोगे जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में किया तो ये कितना आ गया स्टूडेंट्स फाइव इंटू फोर ट्वेंटी ट्वेंटी इंटू थ्री सिक्सटी तो सिक्सटी थ्री डिजिट इवन नंबर कैलकुलेट किए जा सकते हैं और बिल्कुल सिमिलर फोर्थ क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन तुमने खुद ही करना है अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव पे तो स्टूडेंट्स ये है हमारा क्वेश्चन नंबर फाइव फ्रॉम अ कमेटी ऑफ एट पर्सन इन हाउ मेनी वेज कैन वी चूज अ चेयरपर्सन एंड वाइस चेयरपर्सन या चेयरमैन वाइस चेयरमैन एज्यूमिंग देट वन पर्सन केन नॉट होल्ड मोर देन वन पोजिशन यानी कि आठ पर्सन है कमेटी में और टू चूज करने हमने एक को चेयरमैन बनाना है एक को वाइस चेयरमैन बनाना है. बहुत ईजी है स्टूडेंट्स रिपीट तो नहीं करना है ना हमने हमने कह दिया कि वन पर्सन केनॉट होल्ड मोर देन वन पोजिशन तो एट में टू चूज करने है. बहुत सिंपल है एट पी टू तो तुमने लिखना कैसे है देखो लिखना है टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स एट नंबर ऑफ पर्सन्स टू बी सिलेक्टेड टू तो देयर फोर नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू एट पी टू ज इक्वल टू या तो पी टू का फॉर्मूला लगा दो या फिर टू पर्सन चूज करने हैं जब हम पहला पर्सन चूज करने लगे तो हमारे पास एट ऑप्शन थे लेकिन जब हम दूसरा पर्सन चूज करने लगे तो एक चूज हो चुका था तो सेवन ऑप्शन रह गए मल्टीप्लाई करके फिफ्टी सिक्स आ गया यही आंसर है तो इसको सॉल्व करो और सॉल्व करके आंसर दे दो ठीक है स्टूडेंट्स बहुत ही आसान क्वेश्चन हैं बस इसमें तुम्हें एक्चुअली ये फॉर्मूला यूज करना सिखाया गया है कि एन पी आर का फॉर्मूला एक्चुअली यूज कैसे करना है तो ये क्वेश्चन तो हो गया सॉल्व अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स की तरफ स्टूडेंट्स ये है हमारा क्वेश्चन नंबर सिक्स फाइंड एन इफ एन माइनस वन पी थ्री रेशो एन पी फोर इज इक्वल टू वन रेशो नाइन तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन uh, है इसमें स्टेटमेंट है नहीं बहुत आसानी से होगा लेकिन ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं कुछ रेशो प्रोपोर्शन के बारे में बता देना चाहता हूं अगर हमारे पास ऐसे हो x इज टू वाई इज इक्वल टू टू इज टू थ्री तो रेशो प्रोपोर्शन की अगर तुम्हें थोड़ा सा याद हो जो पहले किया हुआ है कि बीच वाली दो रेशोज का मल्टीप्लाई साइड वाली दो रेशियोज के मल्टीप्लाई के बराबर हुआ करता है यानी इसमें से निकल कर आएगा थ्री वाई सॉरी थ्री एक्स इज इक्वल टू टू वाई थ्री एक्स इज इक्वल टू टू वाई ऐसे आएगा या फिर इसको इस तरह समझ लो कि x अपॉन वाई इज इक्वल टू टू अपॉन थ्री दिया हुआ है. देखो रेशो का मतलब डिवाइड ही होता है तो x रेशो y मतलब x अपॉन वाई और टू रेशो थ्री मतलब टू अपॉन थ्री तब भी यही बनेगा देखो थ्री एक्स टू वाई तो हमें यह स्टेप करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी हम सीधा इस स्टेप पे आ सकते हैं अगर हमें रेशियो प्रोपोर्शन का यह फॉर्मूला पता हो तो सॉल्यूशन में हमने स्टार्ट किया गिवन एन माइनस वन ओहो सॉरी एन माइनस वन पी थ्री इज टू एन पी फोर इज इक्वल टू वन इज टू नाइन विच मीन्स देखो अब बीच वाले दो नंबरों का मल्टीप्लाई एन पी फोर इंटू वन लिखने की जरूरत नहीं इज इक्वल टू नाइन इन साइड वाले दो नंबरों का मल्टीप्लाई एन माइनस वन पी थ्री तो हम एन पी फोर और एन माइनस वन पी थ्री पे फॉर्मूला लगा देते हैं एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस फोर फैक्टोरियल इज इक्वल टू इज इक्वल टू नाइन इन नाइन एन माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस वन माइनस थ्री फैक्टोरियल ठीक है स्टूडेंट्स अब ये एन माइनस फोर फैक्टोरियल ही बनेगा तो इसके साथ ही हो गया कैंसल और एन फैक्टोरियल को मैं एक्सपेंड करके लिख रहा हूं एन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल देखो लिख सकता हूं मैं ऐसे नाइन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल ऑलरेडी हमारे पास है तो एन माइनस वन फैक्टोरियल भी कैंसिल तो हमारे पास आंसर आ गया एन इज इक्वल टू नाइन तो इस तरह से बहुत इजीली ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व अब मैं करवा रहा हूं क्वेश्चन नंबर सेवन तो स्टूडेंट्स ये है क्वेश्चन नंबर सेवन फाइंड आर इफ फर्स्ट पार्ट है फाइव पी आर इज इक्वल टू टू इंटू सिक्स पी आर माइनस वन तो सॉल्यूशन स्टार्ट किया फर्स्ट पार्ट है हमारा हमने लिखा गिवन फाइव पी आर इज इक्वल टू टू इन सिक्स पी आर माइनस वन हमने ये एन पी आर का फॉर्मूला लगाना है फाइव फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय फाइव माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू टू इंटू सिक्स फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय सिक्स माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल बहुत ध्यान से देखो स्टूडेंट्स सिक्स माइनस आर प्लस वन ये प्लस वन क्यों हो गया अगर ये प्लस वन हो गया तो आर भी तो माइनस का हो गया क्योंकि यहां पे भी देखो आर माइनस का हो गया क्योंकि जो नीचे नंबर होता है उनका साइन चेंज हो जाता है यहां पे क्योंकि एन माइनस आर पुट करना है तो अगर आर का साइन चेंज होगा तो वन का भी साइन चेंज होगा कई बार स्टूडेंट्स कुछ गलतियां करने वाले बच्चे इस तरह करते हैं कि माइनस वन का वो प्लस वन करना भूल जाते हैं और फिर सारा आंसर गलत हो जाता है बहुत ध्यान रखना है इन क्वेश्चन में एक बार साइंस सही सिलेक्ट हो गया फिर मुश्किल नहीं आती क्वेश्चन में तो अब हम फाइव फैक्टोरियल अपॉन फाइव माइनस आर फैक्टोरियल लिखते हैं इज इक्वल टू टू इंटू सिक्स फैक्टोरियल को मैं एक्सपेंड कर रहा हूं सिक्स इंटू फाइव फैक्टोरियल क्योंकि मैं फाइव फैक्टोरियल यहां से कैंसिल कर दूंगा और यहां पे कितना हो गया सिक्स प्लस वन सेवन सेवन माइनस आर फैक्टोरियल ये हो गया कैंसल अब मैं सेवन माइनस आर फैक्टोरियल को इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा फाइव माइनस आर फैक्टोरियल को इस तरफ ताकि अपॉन का झंझट खत्म हो जाए तो सेवन माइनस आर फैक्टोरियल क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं इज इक्वल टू सिक्स टू द ट्वेल्व इन टू फाइव माइनस आर फैक्टोरियल तो अब मुझे यह बताओ कि सेवन बताओ क्या खैर वीडियो में तो तुम बता नहीं सकते आदत पड़ी हुई है मेरी पूछने की तो मैं बताओ बताओ करता रहता हूं तो फाइव माइनस आर बड़ा नंबर सेवन माइनस आर बड़ा नंबर है ऑब्वियसली सेवन माइनस आर बड़ा नंबर है तो सेवन माइनस आर के फैक्टोरियल को हम फाइव माइनस आर के फैक्टोरियल तक लेके जा सकते हैं सेवन माइनस आर इन टू इससे एक छोटा नंबर क्या होगा देखो सेवन माइनस आर माइनस वन तो ये सिक्स माइनस आर हो जाएगा सॉल्व करेंगे तो सिक्स माइनस आर और साथ ही फिर फाइव माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू ट्वेल्व इन टू फाइव माइनस आर फैक्टोरियल तो दोनों तरफ ये फैक्टोरियल खत्म हो गया क्योंकि ये फैक्टोरियल ही है जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने देता हमें ऐसे क्वेश्चन में इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले यह सोचना चाहिए कि फैक्टोरियल कैसे कैंसिल करके खत्म किए जाए एक बार फैक्टोरियल कैंसिल करके खत्म कर दिए बस इतना ही तो चाहिए तो अब ऐसा करते हैं हम मल्टीप्लाई करते हैं इसको तो 42 टू माइनस आर प्लस आर स्क्वायर कैसे देखो माइनस आर माइनस आर तो प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा यहां से माइनस आर इंटू सिक्स यानी माइनस सिक्स आर और माइनस सेवन आर तो माइनस थर्टीन आर इज इक्वल टू ट्वेल्व यहां से ट्वेल्व ट्वेल्व भी इस तरफ ले आए क्वाटिटी की बन रही है आर स्क्वाइनस थर्टीन आर प्लस अब ये फोर्टी टू में से ट्वेल्व माइनस होगा थर्टी इज इक्वल टू जीरो आ गया हमारे पास अब हम इसको फैक्टराइज़ करते हैं कैसे देखो टेन और थ्री आर स्क माइनस टेन आर माइनस थ्री आर प्लस थर्टी इज इक्वल टू जीरो आर कॉमन आर माइनस टेन माइनस थ्री कॉमन आर माइनस टेन इज इक्वल टू जीरो अब हमारे पास आ गया आर माइनस टेन इन टू आर माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो मीन्स आर इज इक्वल टू टेन और थ्री इन दोनों में से हो सकता है दोनों आंसर ठीक हो, हो सकता है कि कोई एक ही आंसर ठीक हो हम देखें जरा देखो हमारे पास क्वेश्चन में था फाइव पी आर सिक्स आर माइनस वन तो फाइव पी आर से हमें पता चलता है कि आर फाइव या उससे छोटा होना चाहिए क्यों क्योंकि एन पी आर में आर एन से हमेशा छोटा होता है या ज्यादा से ज्यादा बराबर हो सकता है तो इस हिसाब से हमें पता चल रहा है कि कौन सा आंसर है ये आंसर है हम कहेंगे आर इज इक्वल टू थ्री बिकॉज फाइव इज ग्रेटर देन और इक्वल टू आर आर जो है वो फाइव के बराबर या उससे छोटा ही रह सकता है तो इस तरह से हमारा ये सही आंसर आ गया और स्टूडेंट्स इसका सेकेंड पार्ट भी है तो सेकेंड पार्ट तुमने खुद करना है बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है और अब मैं आता हूं क्वेश्चन नंबर एट पे जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टाइप शुरू हो रहा है इन क्वेश्चंस में अब तो स्टूडेंट्स ये है क्वेश्चन नंबर एट हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली वंस यह क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है और इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि पेपर में कई बार प्लस uh, वन के फाइनल पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन आया करते हैं और क्वेश्चन है बहुत आसान कोई खास मुश्किल नहीं है सबसे पहले हमने लिखना है गिवन वर्ड जो हमें वर्ड दिया हुआ है इक्वेशन तो हमने काउंट करना है कि इसके वर्ड्स को यूज करते हुए इसके लेटर्स को यूज करते हुए हम कितने अरेंजमेंट बना सकते हैं बात यही है आ, कितने वर्ड बना सकते हैं अगर हम वर्ड कहेंगे तो विद और विदाउट मीनिंग आ जाता है अदरवाइज क्वेश्चन इतना ही है कि इन लेटर्स को इस्तेमाल करते हुए हम कितने अरेंजमेंट बना सकते हैं तो उसके लिए हमें काउंट करना है तो सबसे पहले हम ये काउंट करेंगे कि ये लेटर्स कितने हैं नंबर ऑफ लेटर्स इज इक्वल टू वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट ये एट लेटर्स हैं तो एट लेटर्स को हमने यूज करना है और ऑल एट को यूज करना है एट में से एट को यूज करना है यानी एट पी एट तो अब हम पी वाली नोटेशन नहीं करेंगे क्योंकि पी वाली नोटेशन से हमें कंफ्यूजन भी होने लगती है तो नंबर ऑफ टोटल अरेंजमेंट्स कितने अरेंजमेंट्स बन सकते हैं जितने ये लेटर्स हैं उतने का फैक्टोरियल बिल्कुल सिंपल बात है जितने लेटर्स मैंने एटपीएड किया एट पी एड को कैलकुलेट कर लो एट फैक्टोरियल आता है लेकिन हम पी वाला परमुटेशन वाला फॉर्मूला अब पी वाला फॉर्म में हम यूज नहीं करेंगे इन लेटर्स में अदरवाइज हमें कंफ्यूजन हो जाती है ज्यादातर स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो जाया करती है इसलिए अब मैं ये एनपीआर का फॉर्मूला नहीं यूज करूंगा सीधा ही हम आ जाते हैं कि जितनी चीजें हमारे पास हैं अगर सारी की सारी यूज करके अरेंजमेंट्स डिफरेंट डिफरेंट काउंट करने हैं तो उतने का फैक्टोरियल सिंपल कहानी अब एट फैक्टोरियल कैलकुलेट कर लो कितना आता है फोर जीरो थ्री टू जीरो कैलकुलेट कर सकते हो तुम मुझे तो एट फैक्टोरियल तक सारे फैक्टोरियल याद हैं अगर तुम्हें याद नहीं है तो मल्टीप्लाई कर करके देख लो एट इंटू सेवन इंटू सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू वन तो क्वेश्चन खत्म हो गया बस इतना ही था लेकिन इसमें कई बार कंडीशंस भी दी होती हैं और इसमें कई बार लेटर्स रिपीट भी होते हैं तो वो क्वेश्चन भी आगे आएंगे और वो भी आसान ही हैं तो मैं ऐसा करता हूं अगला क्वेश्चन करते हैं जिसमें कि कुछ कंडीशन भी गिवन है क्वेश्चन नंबर नाइन तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर नाइन हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी मेड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड मंडे इफ फोर लेटर्स आर यूज एट ए टाइम ऑल लेटर्स आर यूज एट ए टाइम फर्स्ट लेटर इज अ वोवल। तो इसमें दो चीजें मैंने नहीं लिखी क्या एक तो लेटर्स आर नॉट रिपीटेड ये क्वेश्चन में दर्ज है और थर्ड पार्ट में क्या है कि ऑल लेटर्स यूज करने हैं मगर फर्स्ट लेटर वॉवल होगा तो अगर फर्स्ट लेटर इज अ वॉवल कह रखा है तो इसका मतलब ऑल लेटर्स यूज करने हैं तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे गिवन वर्ड गिवन वर्ड मंडे तो नंबर ऑफ लेटर्स कितने नंबर ऑफ लेटर्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स लेटर्स हैं यहां पर हमारे पास और एट ए टाइम कितने यूज करने है? हमने फोर लेटर्स आर यूज एट ए टाइम फर्स्ट पार्ट में क्या है फोर लेटर्स आर यूज एट ए टाइम तो देयर फोर नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स अरेंजमेंट्स कह लो या नंबर ऑफ नंबर ऑफ वर्ड्स कह लो वर्ड्स मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि वो विदाउट मीनिंग वर्ड हो जाएंगे वर्ड विदाउट मीनिंग तो वर्ड होता ही नहीं है वो तो अरेंजमेंट होता है लेटर्स का तो नंबर ऑफ अरेजमेंट इज इक्वल टू देखो फोर लेटर्स यूज करने हैं हमारे पास फोर प्लेसेज हैं वन टू थ्री फोर पहला लेटर भरने जाएंगे तो सिक्स हमारे पास टोटल सिक्स क्या है आ, हमारे पास ऑप्शन हैं इनमें से कोई भी एक भरा जा सकता है मगर एक यहां पे यूज हो गया तो यहां फाइव रह गई फिर फोर रह गई फिर थ्री और इन ऑप्शंस को मल्टीप्लाई करना है सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर इंटू थ्री तो कितना हो गया देखो बहुत आसान है कैलकुलेट करना सिक्स फाइव दर्टी एंड फोर थ्री द्व थ्री दा थर्टी सिक्स थ्री हंड्रेड सिक्सटी द आंसर अब आ जाओ सेकेंड पार्ट पे सेकेंड पार्ट में कहा गया है कि ऑल लेटर्स आर यूज एट ए टाइम ऑल लेटर्स आर यूज तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने अरेन्जमेंट्स बना सकते हैं हम बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स जितने वर्ड जितने लेटर्स उतने का फैक्टोरियल 720 हंड्रेड इज द आंसर सिक्स फैक्टोरियल कैलकुलेट करो 720 आ गया अब हम करते हैं थर्ड पार्ट फर्स्ट लेटर इज अ वॉवल अब देखो फर्स्ट लेटर वॉवल होना चाहिए फर्स्ट लेटर इज अ वावल तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स क्या बनेंगे देखो हमारे पास सिक्स प्लेसेस हैं भरने के लिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स लेकिन फर्स्ट लेटर वॉवल्स से ही भरना है तो नंबर ऑफ वॉवल्स कितने इसमें ओ और ए दो हैं तो हमारे पास यहां पे दो ऑप्शन हैं भरने के लिए इन दोनों में से ही एक ऑप्शन आना चाहिए एक ओ एक ए और उसके बाद हमारे पास पांच ऑप्शन रह जाएंगे भरने के लिए और पांच ही जगह हैं वन टू थ्री फोर फाइव तो पांच लेटर्स को पांचों को यूज करके कैसे भरा जाता है फाइव फैक्टोरियल तो टू इंटू फाइव फैक्टोरियल यानी कि टू इंटू वन हंड्रेड ट्वेंटी मीन्स टू हंड्रेड फोर्टी तो ये डायग्राम याद रखना स्टूडेंट्स एक बार डायग्राम तुम सही बना लोगे ना चाहे फेयर में बना देना डायग्राम कोई गलत बात नहीं है डायग्राम बनाना इस पिक्चर से इस डायग्राम से सही अंदाजा हो जाता है हमारे पास कि कितने का फैक्टोरियल करना है कितनों को मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ ऑप्शन हमेशा ऊपर लिखो और अगर तुम लिखना चाहते हो एक्चुअल ऑप्शन हैं कौन कौन सी तो नीचे लिखो क्योंकि नंबर ऑफ ऑप्शन जो आएंगी उनको मल्टीप्लाई करना है और यहां भी देखो अगर हम पूरी ऑप्शन लिखने के लिए चलते तो यहां फाइव ऑप्शन थी फोर थ्री टू वन यानी फाइव फैक्टोरियल ही था एक्चुअली मल्टीप्लाई करके तो हमारा यह आ गया आंसर तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर टेन की तरफ स्टूडेंट्स यह है क्वेश्चन नंबर टेन क्वाइट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वर्ड्स इसमें डिफरेंट डिफरेंट आ जाते हैं लेकिन क्वेश्चन यही रहता है ज्यादातर इन हाउ मेनी ऑफ द डिस्टिंक्ट परमुटेशन ऑफ द वर्ड मिसिसिपी डू द फोर आईज नॉट कम टूगेदर तो यहां पे तो सिर्फ आई है वॉवल के तौर पे वरना अगर अलग अलग वॉवल्स आ रहे हो वर्ड्स में तो क्वेश्चन आता है कि वॉवल्स डू नॉट अकर टूगेदर ऐसे आता है क्वेश्चन एक ही बात है वॉवल्स डू नॉट अकर टूगेदर कहो चाहे आईज डू नॉट अकर टूगेदर कहो क्योंकि यहां पर वॉवल्स सिर्फ आई ही हैं तो ये कैसे स्टार्ट करना है इसमें अब रिपीटिशन भी हो रही है हमने मंडे देखा था इक्वेशन देखा था दोनों में रिपीटिशन नहीं था यहां पे रिपीटिशन हो रहा है वर्ड्स का तो कैसे स्टार्ट करना है क्वेश्चन गिवन वर्ड मिस्सी सिपी तो यही वर्ड है हमारा इसमें हमने काउंट करना है नंबर ऑफ लेटर्स बेसिकली हम लेटर्स कह रहे हैं लेकिन हम स्पेसिस काउंट कर रहे हैं कितने स्पेस में आ रहा है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन इलेवन लेटर्स यूज हो रहे हैं ठीक है रिपीटिशन भी है अब हम देख रहे हैं रिपीटिशंस भी हैं तो रिपीटिशन्स को भी हमने यहां पर नोट करना है तो सबसे पहले तो आई रिपीटेड है नंबर ऑफ आईज फोर वन टू थ्री फोर नंबर ऑफ एसेज <S's>. एसेस कितने हैं वन टू थ्री फोर और फिर नंबर ऑफ पीज टू तो जब हमारे वर्ड में रिपीटिशन हो रही हो तो हमने टोटल लेटर्स लिखने के बाद रिपीटिशन भी नोट करने हैं ये ये समझ लो स्टूडेंट्स और हमने क्या काउंट करना है कि हमने वो आ, पता करना है कि कितने तरीकों से इसको लिखा जाए कितने अरेंजमेंट परमुटेशन बने कि चारों आईज इकट्ठे ना आए चारों इकट्ठे ना आए वाली बात है स्टूडेंट्स यानी कि एक अलग बाकी तीन अलग हो सकते हैं चारों अलग अलग हो सकते हैं या दो इकट्ठे दो इकट्ठे हो सकते हैं लेकिन चारों इकट्ठे ना आए तो, तो बहुत सारी सिचुएशंस बन रही हैं स्टूडेंट्स तो इसलिए हम करेंगे क्या हम टोटल पहले तो निकालेंगे कि टोटल कितने तरीकों से लिखा जा सकता है टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स निकालेंगे जो कि ऑब्वियसली अब हम जानते हैं नंबर ऑफ लेटर से हो जाएगा और उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे कि चारों आईज अगर इकट्ठे ही रहें, तो कितने मेथड बनते हैं कितने अरेंजमेंट बनते हैं और टोटल में से उसको माइनस कर देंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स या वेज तो कितने लेटर्स हैं इलेवन तो इलेवन का फैक्टोरियल लेकिन रिपीटिशंस भी हैं तो ये थोड़ा आसान हो जाता है डिवाइडेड बाय फोर फैक्टोरियल फोर फैक्टोरियल टू फैक्टोरियल मतलब रिपीटिशंस के जो फैक्टोरियल हैं उससे डिवाइड करना होता है इसको ठीक है स्टूडेंट्स तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं देखो तुम तो इसको कैलकुलेट कर सकते हो कैसे इलेवन इंटू टेन इंटू नाइन इंटू एट इंटू सेवन इंटू सिक्स इंटू फाइव फोर फैक्टोरियल तो एक कैंसल हो जाएगा इसके साथ फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन इंटू टू एक फोर फैक्टोरियल कैंसिल हो गया अब ये कैलकुलेट करोगे तो स्टूडेंट्स मैंने कैलकुलेट किया हुआ है और ये आ रहा है थ्री फोर सिक्स फाइव जीरो कैलकुलेशन से बिल्कुल नहीं घबराना है स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई तो है कैंसल आउट ही तो करना है देखो इजी तुमको मैं एक तरीका बता देता हूं बड़े बड़े नंबर पहले कैलकुलेट करो फोर टू द एट ये कैंसल हो गया थ्री टू द दिक्कस ये कैंसिल हो गया बाकी जो बचे मल्टीप्लाई करके लिख लो तो मिसीसीपी वर्ड के लेटर्स को यूज करते हुए हम टोटल नंबर ऑफ वेज पहले निकाल लिए हमने वो है टी फोर थाउजेंड सिक्स हंड्रेड फिफ्टी अब हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं कि कितने नंबर ऑफ वेज में फोर जो आईज हैं वो टूगेदर ही रहेंगे और वो तुम समझ लो ध्यान से देखो उसका क्या तरीका है डायग्राम बना देता हूं देखो हमारे पास इलेवन जगह हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन इसमें से मान लो वन टू थ्री फोर ये फोर आईज की जगह है ये आईज का पैकेट है जो कि इकट्ठा रहेगा यहां आई लिखे हुए चारों तो ये इकट्ठे रहेंगे तो ऐसा हो सकता है कि ये डैश एक इधर आ जाए ये बीच में चला जाए ये आखिर में आ जाए इधर आ जाए उधर आ जाए एक तो ये तो यानी कि अब इस पैकेट को तो एक कंसीडर करो तो एक ये और बाकी कितने वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन सेवन और ये एट यानी ये एट आपस में परम्यूट करेंगे ये आईज इकट्ठे ही रहेंगे यानी एट फैक्टोरियल हो गया एक तो और दूसरा ये जो चार आईज हैं, ये भी तो आपस में परम्यूट करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय फोर फैक्टोरियल ठीक है स्टूडेंट्स और उसके बाद जो रिपीटिशन है हमारी उससे डिवाइड कर देंगे हम डिवाइडेड बाय फोर फैक्टोरियल फोर फैक्टोरियल और टू फैक्टोरियल तो एक बार फिर समझ लो देखो यहां पे तो आईस था एक्चुअली क्वेश्चन वोवल्स 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 पे आता होता है कि अकर 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 टुगेदर, टुगेदर। टुगेदर डू नॉट ये फाइंड आउट कर रहे हैं हम तो हमने क्या किया टोटल नंबर ऑफ लेटर्स में से नंबर ऑफ वोवल्स जो थे वो माइनस कर दिए और उसमें वन एड कर दिया देखो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स में से वोवल्स कर दिए माइनस और उसमें वन एड कर दिया तो आ गया एट तो एट का फैक्टोरियल फिर नंबर ऑफ वॉवल्स कितने हैं? उसका फैक्टोरियल और डिवाइड में अगर रिपिटिशन हैं तो रिपिटिशन का फैक्टोरियल अगर नहीं है तो डिवीजन में वन रहेगा वो क्यों ऐसा किस लिए एट कहां से आ गया क्योंकि देखो ये पैकेट तो इकट्ठा ही है ये एक डैश समझ लो इसको ये चारों आईज का इकट्ठा पैकेट चारों वॉवल्स का और ये सात और जगह हैं तो ये एट हो गई टोटल और ये टोटल एट अरेंजमेंट्स बनाएंगी अलग 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 ये बीच में रहेगा ये आगे रहेगा ये पीछे रहेगा तो उसमें एट फैक्टोरियल तरीके हो सकते हैं और ये आपस में चार भी तो घूमेंगे बीच में कभी एक आई आगे कभी एक आई पीछे तो ये चार हैं, तो चार फैक्टोरियल ये आपस में ही करेंगे तो मल्टीप्लाई हो गया और रिपीटिशन का फैक्टोरियल नीचे तो अब मैं कैलकुलेट uh, करने जा रहा हूं नंबर ऑफ वेज इन विच फोर आईज अक टूगेदर इज इक्वल टू एट फैक्टोरियल मल्टीप्लाई फोर फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई रिपीटिशंस के फैक्टोरियल अब इसको कैलकुलेट करोगे स्टूडेंट्स तो तुम्हारे पास आ जाएगा एट हंड्रेड फोर्टी और अगर हम इस टोटल में से यह माइनस कर दें तो हमारे पास उतने वेज आ जाएंगे जिसमें फोर आईज कभी भी इकट्ठे नहीं होंगे चाहे एक अलग हो जाए चाहे दो अलग हो जाए चाहे तीन अलग हो जाए चाहे चारों अलग हो जाए तो अब हमने कहा कि देआर फोर नंबर ऑफ वेज इन विच फोर आइज डू नॉट अकर टूगेदर इज इक्वल टू थ्री फोर सिक्स फाइव जीरो माइनस एट हंड्रेड फोर्टी तो यह आंसर आ जाएगा स्टूडेंट थ्री थ्री एट वन जीरो तो एक बार फिर देख लो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन देखो जितने लेटर्स हैं पहले तो हमने टोटल नंबर ऑफ वेज निकाल लिया उतने लेटर्स का फैक्टोरियल करके लेकिन क्योंकि रिपीटिशन था तो रिपीटिशन के फैक्टोरियल्स नीचे आएंगे उसके बाद हमने निकाला कि चारों आईज इकट्ठे कितने वेज हो सकते हैं तो इसका क्या तरीका जितने टोटल लेटर्स हैं हमारे पास इलेवन उसमें से आईज माइनस कर दिए या वॉबल्स अगर होते तो वो माइनस कर देते हम और उसमें वन एड कर दो इलेवन माइनस फोर प्लस वन एट तो एट का फैक्टोरियल जितने वोवल्स हैं उतने का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई और रिपीटिशन नीचे और टोटल में से फिर ये माइनस कर दिया इस तरह से हमारा आंसर आ गया तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर टेन तो क्वेश्चन नंबर इलेवन जो है वो तुम खुद कर सकते हो मैंने तुम्हें बड़ा आइडिया बता दिया है क्वेश्चन नंबर इलेवन तुमने खुद करना है टेन क्वेश्चन मैंने करा दिए मेरे ख्याल से टेन क्वेश्चन अगर मैंने डिस्कस कर लिए हैं तो इलेवन तो तुम अपने आप कर ही सकते हो तो स्टूडेंट्स मैं एक बार फिर कह रहा हूं कि अगर मान लो तुम्हें कोई क्वेश्चन मुझसे सॉल्व करवाना है तो तुम क्या करो सबसे पहले क्लास लिख दो कमेंट में कमेंट में सबसे पहले क्या करो क्लास लिखो टेन प्लस वन या टेन प्लस टू कॉमा एक्सरसाइज नंबर कॉमा क्वेश्चन नंबर तो मैं समझ जाऊंगा कि वो क्वेश्चन मैंने सॉल्व करना है तो वो क्वेश्चन सॉल्व करके उसकी पिक खींच के मैं अपने चैनल की कम्युनिटी सेक्शन में वो पोस्ट कर दूंगा वहां से तुम वो सोल्यूशन देख पाओगे और अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वन टू फाइव रेटिंग तुम दे सकते हो अपनी मर्जी से कौन सी रेटिंग तुम्हें देनी है और स्टूडेंट्स uh, मेरी प्लेलिस्ट चेक करो और प्लेलिस्ट से तुम सारा सिलेबस फॉलो कर सकते हो प्लेलिस्ट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी जरूर करना तो स्टूडेंट्स ये अच्छी तरह से सॉल्व करो सीखो बेस्ट ऑफ लक अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग